नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। ऑल जेएंड के पीएचई कॉन्ट्रैक्टर्स द्वारा आज फिर से एक बार पत्रकार वार्ता की गई है, जिसमें इनका साफ तौर पे कहना है कि जो इनके पेंडिंग बिल्स हैं उन्हें सरकार द्वारा क्लियर कर देना चाहिए। जानने की कोशिश करते हैं कि आज सर आप दोबारा से पत्रकार वार्ता कर रहे हैं, दोबारा से वही मुद्दे लेकर आ रहे हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे। नहीं, मुद्दा हम वो पहले वाला मुद्दा नहीं लेके आ रहे। हमारे पैरलर चीफ साहब ने एक प्रेस वार्ता दी जिसमें उन्होंने कहा कि जो कॉन्ट्रैक्टर जो है, कॉन्ट्रैक्ट दूसरे तरीके के हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स में हमने लिखा है अलॉटमेंट्स पे एचडीपी पाइप के लिए, तो इसलिए हम दोबारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक हफ्ते के दोबारा करनी पड़ी, उनका जवाब देने के लिए ये हमें प्रेस वार्ता करनी पड़ी। नहीं तो कोई इशू था ही नहीं। हमने अपनी पेमेंट्स के लिए इशू रखे थे, उस पर हमने बात की थी, लेकिन उन्होंने जानबूझ के मुद्दे को भटकाने के लिए जो यहाँ पे प्रेस वार्ता उन्होंने दी, जो वो सरासर गलत थी, उसको उसका जवाब देने के लिए, उसका काउंटर करने के लिए हमने आज ये प्रेस वार्ता हमें दोबारा करनी पड़ी। क्या कुछ मुद्दे हैं आपके, जैसे आपने बताया कि पाइप को लेकर क्या कुछ मुद्दे? उन्होंने बोला था कि जेजेएम में पेमेंट्स की कमी नहीं है। हमने जेजेएम की पिछली प्रेस वार्ता में हमने बात ही नहीं की थी जेजेएम की, हमने जेजेएम में एचडीपी पाइप की बात की थी, एचडीपी ई पाइप। उन्होंने बोला कि हमने बोला कि हमारी अलॉटमेंट में नहीं है, लेकिन हमें जबरदस्ती हम पे थोपी जा रही है। उसके जवाब में काउंटर में उन्होंने कहा कि हमने अलॉटमेंट में लिखा हुआ है के जीआई पाइप ओब्लिक एचडीपीई पाइप, लेकिन ये मैं अलॉटमेंट आपके सामने रख रहा हूं, जूम करके आप देख लीजिए, इसमें ये अलॉटमेंट है और ये देखिए यहाँ पे जीआई पाइप ही है, यहाँ पे एचडीपी पाइप का कहीं भी कोई अलॉटमेंट में कोई जिक्र नहीं है। ये अलॉटमेंट जो है ये एक्सियन ने की हुई है, डिपार्टमेंट ने जेजेएम जो हमारी स्कीम है उसके ऊपर की हुई है। दूसरा नंबर, जब कोई जीआई पाइप के लिए हमारा इनेट बनता है जो हमने गवर्नमेंट से लेनी है, स्टोर से उठानी है, उसका एडब्ल्यू और जेई इनेट बनाता है, इनेट पास कौन करता है? एक्सियन। वो इनेट देखिए, ये इनेट बना हुआ है, क्लोज करके आप देख लीजिए, इनेट बना है जीआई पाइप का। देखिए अब ये फोटो स्टेट है तो ब्लैक दिख रहा है, ये रेड पेन से उन्होंने जीआई पाइप काटी हुई है, ये देखिए ये जीआई पाइप उन्होंने काटी हुई है, जो कि सरासर गलत है। हमारी वायलेशन आप उसमें रूल, वायलेशन ऑफ रूल है, आप प्लीज थोड़ा वायलेशन ऑफ रूल है ये पे, यहाँ पे वायलेशन ये वो कर रहे हैं और इस बात के लिए भी झूठ बोल रहे हैं, दो हो गया। तीसरा हमारा, जब ये पाइप एचडीपी पाइप जिसके ऊपर हम अपनी सफाई दे रहे थे, एचडीपी पाइप का एक शेड्यूल, जब भी कोई टेंडर लगता है उसका डिपार्टमेंट है डीआईक्यूसी डिजाइन डायरेक्टरेट, वहां से एक शेड्यूल बुक निकलती है जिसके ऊपर रेट होते हैं और रेट के ऊपर ही टेंडर लगता है, उस शेड्यूल बुक के ऊपर ही टेंडर लगता है, टेंडर फ्लोट होता है। और मजेदार बात यह है कि उसमें शेड्यूल में एचडीपीई पाइप का रेट ही नहीं है, फ्लोट ही नहीं है कहीं, तो ये टेंडर कैसे लगा सकते हैं, ये पाइप प्रोक्योर कैसे कर सकते हैं? ये वायलेशन नहीं है, ये हर एक जगह पे वायलेशन कर रहे हैं। उसके जवाब में हमने ये प्रेस वार्ता रखी है उनको बताने के लिए कि झूठ हम नहीं बोल रहे, झूठ कौन बोल रहा है, ये सरकार की ड्यूटी है, वो देखेगा झूठ कौन बोल रहा है, हम अपने मुंह से कुछ नहीं कहेंगे। बाकी हमारी बात आ गई, मेन डिमांड जो हमारी है वो थी पेमेंट्स की। पेमेंट्स पे आप हमारी लैंग्विशिंग की पेमेंट है, उस पर हमने बोला एक बार नहीं 10 बार प्रेस वार्ता की कि लैंग्विशिंग पे हमें पेमेंट हमें मिलनी चाहिए। देखिए एक जो मुलाजिम है उसकी टीएडीए बढ़ाते हैं ना 2 साल के बाद 3 साल के बाद, महंगाई भत्ता जिसको बोलते हैं, महंगाई भत्ता उनका बढ़ता है, उनको हमें उनका महंगाई भत्ता बढ़ता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर एक ऐसी होम है, मैं बोलूंगा ऐसी कम्युनिटी है गवर्नमेंट की नजर में, उनका कुछ नहीं बढ़ना चाहिए। 2012 के शेड्यूल पे हमने काम हमने लिया, 2019 पे वो काम टेंडर फ्लोट हुआ, वो काम करके हमने दे दिया, तब की लेबर का रेट 2012 के शेड्यूल पे हम रेट ले रहे हैं और ये 2023 में हमें वो रेट दे रहे हैं, उसके बावजूद भी हमें ये बोला जा रहा है कि आपका रेट ज्यादा है। मतलब कि लेबर का 2012 में शेड्यूल में क्या रेट था, 2022 के शेड्यूल में क्या रेट है, दोनों में अंतर है, बड़ा अंतर है।
हम 2022 का शेड्यूल नहीं, 2012 का शेड्यूल के ऊपर ही मांग रहे हैं। 15 पे दे दो, 18 पे दे दो, 23 पे मत दो, आप एनालिसिस करके हमें पेमेंट दे दीजिए। लेकिन उसपे भी अगर कोई बात नहीं करेगा तो फिर हमें तो बोलना पड़ेगा ना, मीडिया के सामने तो आना पड़ेगा। सर लाइबिलिटीज की अगर बात करें तो आपकी लॉन्ग टाइम पेंडिंग जो है लाइबिलिटीज अभी भी है, आपका उस पर क्या कुछ कहना है? उसमें ये है कि वो लाइबिलिटी में जो फॉल्ट है वो कॉन्ट्रैक्टर का नहीं है, समय रहते जो हमने काम किए उनके वर्केजेस नहीं बने और उस डिपार्टमेंट के लोगों ने उनके बिल नहीं फ्रेम किए और उसके पीछे मैलाफॉय अटेंशन थी जो इस सरकार ने बहुत से इनिशिएटिव लिए कि घुसखोरी खत्म की जाए, भ्रष्टाचार खत्म किया जाए। लेकिन जिन लोगों को रिश्वत का लहू लगा है, जिन्होंने हमेशा डिपार्टमेंटल काम किए, जिनका काम मॉनिटरिंग करना था उन्होंने डिपार्टमेंटल काम किए, और जो भी हरासमेंट हो रही है उन लोगों की वही हो रही है, समय रहते हमने काम किए लेकिन उन्होंने बिल फ्रेम नहीं किए। और दिस इज क्वाइट ऑब्वियस कि जब कोई सुन नहीं रहा है तो सुनाना, दैट इज आवर फंडामेंटल राइट, ये प्रोविजन है और उसको राइट को दिलवाने के लिए लोगों ने करवानी हुई है, तो बख्शीश में चलो मिल गया बोलने का अधिकार जी है। और अभी आपकी डिमांड क्या है? अभी डिमांड ये है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, डिफरेंट हेड्स में कॉन्ट्रैक्टर्स की जो भी लाइबिलिटीज हैं, ठेकेदारों ने काम किए हैं, लोग उसका बेनिफिट ले रहे हैं, तो ठेकेदारों को पेमेंट क्यों नहीं, क्या नहीं मिलनी चाहिए? जब काम किया है तो पेमेंट क्यों नहीं? और फिर इतने वर्षों के बाद पेमेंट दी जा रही है, जिसमें साथी ने कह भी दिया कि जब पहले 12% जीएसटी था, अभी 18% जीएसटी लगेगा, जिस मार्जिन को लेकर हमने काम स्टार्ट किए और उसमें सालों के बाद पेमेंट नहीं आ रही है, वो प्रॉफिट तो गया, टोटली गया, उसमें हमारा लॉस हो रहा है। वी आर पेइंग रेगुलर, वी आर पेइंग बैंक इंस्टॉलमेंट, जो हमने 12% लोन लिए, और ये बड़ा ब्लंडर है। आज के युग में सरकार काम करवा के, टेंडर वर्क करवा के पैसे ना दे, ये सरकार के सबसे बड़ा ब्लंडर है। तो जैसे कि आपने देखा आज यहाँ पर ऑल जेएनके पीएचई कॉन्ट्रैक्टर द्वारा एक पत्रकार वार्ता की गई है, जिसमें इनकी लाइबिलिटीज और इनकी जो डिमांड्स हैं उन्हें दोबारा से रिवाइव करने की बात की गई है कि जो इनकी लाइबिलिटीज हैं उन्हें सरकार द्वारा जल्द से जल्द क्लियर किया जाए। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय जाड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।